आ जाने दे साले को, अपने साथ मूवी देखने नहीं आया और बबीता के साथ मूवी देखने चला गया। बबीता बोली उठ तो उठेगा, बबीता बोली सो तो सोएगा, पूरे दिन रात बबीता के आगे पीछे भागता फिरेगा और बबीता के लिए हमसे झूठ भी बोलेगा। पर जिस दिन इसका दिल टूटेगा, शराब बबीता के गम में पिएगा, तभी जाके हमें याद करेगा, पर तब हम बोल देंगे मुंह में लेगा। और ऊपर से मेरे केमिस्ट्री के नोट्स भी लेके गया है। ए वंटाई, कैसे हो? मूवी कैसा था? मैं सुना एकदम रैपचिक था, तुझे तो पता ही होगा कैसा था। अरे वंटाई, मुझे कैसे पता रहेगा, मैं तो घर पे था। तुझे बोला तो था मैं नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ। अच्छा, ऐसे क्या बिजी था जो हमारा फोन नहीं उठा रहा था? अरे वंटाई, कल तो फोन पे ध्यान ही नहीं था, कितने लोगों के कॉल आए। तुम्हारा क्या, बबीता का भी कॉल नहीं उठाया वंटाई? उसका फोन उठाएगा भी कैसे, पूरे दिन तो उसके साथ ही चिपका हुआ था। That's true. अरे वंटाई, तू कुछ बोला क्या? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तू इतना बिजी था ना, तो बोल 4 बजे किधर था कल? 4 बजे? अरे वंटाई, घर पे था, वो मेरे मामा है ना। अरे पर तेरे घर पे कॉल किया तो आंटी बोली वो तो बाहर है। अरे अरे वंटाई, जब तू कॉल किया रहेगा तो मैं बाहर रहूंगा। मैं 4:15 को कॉल किया था। देखा वंटाई, संजोग देखे? क्या क्या संजोग? अरे वंटाई, कोइंसिडेंस देखा, 4:10 से 4:40 के बीच में तो मैं बाहर था और तभी तू कॉल किया। अरे तुझे भी कॉल किया था, पर बार बार कट ही हो रहा था, ऐसे क्यों? अरे वंटाई, क्या तुम गरीब लोग जियो से एयरटेल पे कॉल करते हो, पता है ना नहीं लगता। एयरटेल से भी किया था, सेम प्रॉब्लम। अरे वंटाई, तो वो नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगा। अरे मोबाइल क्या गांड में डाल के बैठता है जो नेटवर्क नहीं मिलता। किधर था वो टाइम के बीच में, वो बोल। अरे वंटाई, मैं वो एक्टिवा धो रहा था, वो साइलेंसर में कचरा फंस गया था। अरे यार झूठ मत बोल, जब वो पानी से भरा लोटा तब भी ये गांड नहीं धोता, टट्टी को सिर्फ टाटा के बाहर निकल लिया जाता, तो आज सूरज कहाँ से निकला था जो तू आज एक्टिवा धो रहा था? ए वंटाई, तू अपनी गांड धोता है क्या? ए 5 से 7 के बीच में किधर था? अरे वंटाई, तुम लोग क्या ऐसी भी प्रद्युमन हो क्या जो इतने सवाल पूछ रहे हो? ए जो पूछा ना उसका जवाब दे। अरे वंटाई, इतनी धूप में बाइक धोया, फिर घर पे गया तो अचानक से बुखार आ गया, तो मैं सो गया था। वाह, जैसे खाया वैसे ही गांड चिकट हो गई। अरे वंटाई, क्या बोलता है? अरे कितना झूठ बोलेगा, जैसे नीचे से घर पे आया तो इतने में तेरे को बुखार भी आ गया। अरे वंटाई, मैं बहुत सेंसिटिव बेबी हूँ। अबे ढीले अखरोट, तू सेंसिटिव बेबी नहीं, ठंड में सिकुड़ी हुई गोटी है। सच्ची वंटाई, अगर कोई लड़की मुझे छू ले तो मेरे बदन में सनसनी मच जाती है वंटाई। उसको डेस्पोफोबिया बोलते है, चुती है। अरे वंटाई चुप, 7:30 को कितने कॉल किए, बार बार कटी हो रहे थे, एक भी कॉल नहीं लगा। अरे वंटाई, 7:30 को मैं हाँ पढ़ रहा था, वो केमिस्ट्री के सम सॉल्व कर रहा था ना वंटाई, तो मोबाइल स्विच ऑफ करके साइड में रखा था। इतना ध्यान पढ़ाई में? अरे वंटाई, एक बार जो मैं किसी चीज को करने की ठान लूं तो फिर मैं वो करके ही रहता हूँ वंटाई। फिर वो चींटी के मुंह से खाने का निवाला छीनने की बात हो या रामगोपाल वर्मा की आग देखने की बात हो, मैं वो करके ही रहता हूँ वंटाई। वैसे अच्छा हुआ नहीं आया तू। मैं बबीता और आर मूवी देखने गए थे, बहुत मजा आया है ना? यस ब्रो। अरे वंटाई, ये कब हुआ? अरे कल तू नहीं आया ना तो हम लोग ने बबीता को बुला लिया। हा? कुछ भी वंटाई। अरे क्या कुछ भी, हम 3 गए थे। अरे वंटाई पर, अरे सच्ची आर और बबीता एक साथ बैठे थे। अरे वंटाई, ऐसे कैसे हुआ? इसकी बाजू में बैठी थी, कल वो मेरे साथ मूवी देखने आई थी तो कल वो मेरी बाजू में बैठी थी वंटाई। हाँ हमें पता है लौड़े, 7:30 से 9:30 के बीच में केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स नहीं, कॉर्नर सीट पे कुछ और केमिस्ट्री चल रहा था और उसके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहे थे। कितना झूठ बोलता है, नहीं आना था तो ना बोल देता। आजा तुझे पढ़ा दूं फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स, सॉल्व करा के देता हूँ हर एक सम्स और प्रॉब्लम्स, पर आइंदा बबीता के साथ मत घूमना और हमसे झूठ भी मत बोलना, वरना तेरे लाइफ के सब्जेक्ट में लगा दूंगा तुझे केटी और जाम करके रख दूंगा तेरे गान में टट्टी। अरे वंटे, तुम लोग तो मैक्सिस थिएटर जाने वाले थे तो फिर ये ओबेरॉय मॉल कैसे आ गए? चुप, हमने तुझे 4 बजे ही बबीता के साथ ओबेरॉय मॉल में देख लिया था, सोचा डिस्टर्ब ना करे, फिर तुझे 4:30 को कॉल किया, एक भी कॉल लगा नहीं, साला सब कॉल कट हो रहा था। अरे वंटे बोला ना वो नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगा, तूने हम दोनों को ब्लॉक कर दिया था, कैसे कॉल लगेगा? नहीं वंटे, तुम्हें क्यों ब्लॉक करूंगा? अच्छा तो वो लड़की का कॉल कैसे आया? अरे वंटे, तुम लोग को कैसे पता, क्या वो तुम लोग थे? हाँ चिमन चौधरी, वो हम थे, पीसीओ से कॉल किया था वो लगा, लेकिन हम लोग ने कॉल किया वो नहीं लगा। वाह, और साले डेस्क को कितना बात किया और घर का एड्रेस भी दे दिया। अरे वंटाई, वो बोली मतलब तुम लोग बोले कि मेरा नंबर मेरे फ्रेंड से मिला और उसे मैं बहुत पसंद हूँ, तो क्या मिल सकते हैं क्या? तो क्या कोई घर का एड्रेस देता है? भूल गया तेरी गर्लफ्रेंड है? अरे वंटाई, गर्लफ्रेंड हुई तो क्या हुआ, तू तो ऐसे बात कर रहा है कि मेरे पास i10 है तो मैं BMW नहीं देख सकता। BMW देख सकता है, लेकिन उसका ड्राइविंग तब भी कर जब तक उसके पेपर तेरे नाम के ना हो जाए। अरे वंटाई, घर बुलाया मतलब क्या, वो सब करने के लिए बुलाया रहेगा क्या? मैंने बात करने के लिए बुलाया था वंटाई। तेरी औकात नहीं बैठने की, ऑटो रिक्शा अब तो तुझ पे थोड़ा सा भी नहीं है भरोसा। आजा मंदिर के बाहर, दिला दूं तुझे भिक्षा, सिखा दूं तुझे जिंदगी की सारी शिक्षा, क्यों बहुत जल्दी लड़की को घर बुलाने हो गया रेडी, क्यों उसके साथ तुझे खेलना था लूडो चेस सांप सीढ़ी। बात करने के लिए गार्डन कैफे मॉल सब है, तू साले बबीता को धोखा दे रहा है। नहीं रे वंटाई, मुझे पता था वो तुम दोनों हो, इसलिए तो मैं ऐसी बात कर रहा था वंटाई। चुप साले,
अब तो झूठ मत बोल। और तू एक्टिवा धो रहा था? साले तेरा एक्टिवा तो गाड़ी उठाने वाले 3 दिन पहले ही ले गए, अब तक नहीं छुड़ाया, अभी तो छुड़ा ले। अरे बंटे वो मामा है ना, उनको एक्टिवा पे घूमने का बहुत बड़ा शौक है। इधर घुमा उधर घुमा, खुद को तो एक्टिवा आता नहीं है, मुझे लेके जाएंगे हर जगह पे। और अब ये भी बता दे कि 5 से 7 के बीच में कहां पे था? बबीता के साथ पार्लर गया था। क्या पार्लर? पार्लर बंटे साला तू पूरा दिन हमसे झूठ बोला और हमारे साथ मूवी देखने भी नहीं आया, क्योंकि तू बबीता के साथ मूवी जा सके और लेडीज पार्लर जा सके? चूतिया समझ के रखा है क्या हमें? क्या बोला? अरे वंटा अब से झूठ नहीं बोलूंगा पक्का। वो सब छोड़, मेरा केमिस्ट्री का नोट्स दे अभी का अभी, तुझे लाने को बोला था। अरे वंटा पापा के साथ दुकान गया था, वहीं से डायरेक्ट आ रहा हूँ, वॉलेट भी दुकान पे भूल गया और एक्टिवा भी नहीं है। तू 100 रुपया दे, मैं फटाक से घर पे गया और तेरे नोट्स लेके आया और पैसे वापिस आके दे दूंगा। क्या झूठ बोल रहा है? और मैं पैसा नहीं दूंगा। अरे वंटे सच्ची झूठ नहीं बोल रहा, वरना कल ही नोट्स देता हूँ, फिर बोलना मत। नहीं नहीं नोट्स आज ही चाहिए, ये ले पैसा और नोट्स अभी का अभी लेके आ। हाँ वंटे बस अभी आ। चूतिया एक नंबर का। हेलो क्या? हाँ ठीक है, हाँ बोलता हूँ उसको। हाँ साला बंटिया। क्या हुआ ब्रो? अरे बबीता का कॉल था, वो बोली कि बंटिया अपना वॉलेट और ओरिजिनल केमिस्ट्री की नोट्स बबीता के घर पे ही भुलाया, और सुबह से वो वहाँ पे ही था और हमसे झूठ बोला। लाइफ में कभी भी झूठे लोग और रास्ते पे पड़ी हुई 500 की नोट पे भरोसा नहीं करना चाहिए साला, कभी भी कोई चोदू बना के जा सकता है।